क्रिप्टो ब्लॉगिंग बहुत ही टफ है भाई, बहुत ही ज़्यादा टफ, लेकिन करोगे ना तो। ओ भाई क्या ही खतरनाक वाली भाग रही है गाइस, ये देखो, ये मैंने कभी ट्राई नहीं करा था, ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई है। ये है ना, सारा कुछ रियल है, अपन लोग कोई फेक वेक का ये नहीं करते हैं कि भाई किसी को कुछ दो, सामने से अचानक से वो आ जाए फिर वो आ जाए, ऐसा कुछ, बट अपन लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं भाई। देखो कैमरा चोरी कर रहा है ये, अल्लाह यार, हेलमेट से कैमरा ले लिया और फिर देखो बैग में डाल रहा है। मेरे को अभी लगता है कैमरा गया अपना, ये देख रहे हो, ये देख। सो हेलो, जय श्री राम गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, ये मेरा सेकंड ब्लॉग होने वाला है, मोटो ब्लॉग, क्योंकि इससे पहले मैंने एक माय फर्स्ट ब्लॉग का वीडियो डाला था। जो लोग भी नहीं देखे होगे ना, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैं वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। सो अभी फटाक से घर से निकलते हैं गाइज, और फिर निकल चुके हैं गाइज, रोड पर आ चुके हैं, लाइक देख सकते हो अपना गाँव का रोड पर, और फिर अभी यहाँ से मोटो ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, मेन रोड पे जाएंगे, तब अपन लोग कैमरा फिट करेंगे और फिर माय सेकंड ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो गाइज उसमें कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, करूँगा, करने वाला हूँ, सो प्लीज़ करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखना गाइज, कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज, और फिर आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है गाइज। सो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना, मेरे को मोटिवेट करना, ताकि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो ला पाएँ और फिर मेरे को और भी एक्सपीरियंस आ पाए। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ये हो सकता है गाइज, वरना मैं अकेले तो भाई कुछ भी नहीं कर पाऊँगा जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे। तो सो गाइज, ये अपना R15 है और अभी अपन लोग निकल रहे हैं। सो गाइज मैं बता दूं, ये मेरा सेकंड मोटो ब्लॉग है, और फिर समझ ही सकते हो कि हर कोई ब्लॉगर का गाइज मोटो ब्लॉगिंग करने का एक सपना होता है, जो कि मेरा भी एक सपना था, जिसको पूरा करने के लिए अपन लोग निकल चुके हैं। और फिर ये अपना R15, और फिर मैं अभी एकंगर का रूट में निकला हूँ गाइज। तो आज मेरे से जो भी गलतियां होगी या कोई भी त्रुटियां होगी, वो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना, अपन लोग उसको सही करने का कोशिश करेंगे, और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कोई भी गलतियां ना हो, ऐसा आशा करेंगे गाइज। आशा नहीं, बस अपन लोग सुधार करेंगे उसमें। तो अपन लोग, ये सब तो बातें हो चुकी है, अभी अपन लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। तो मैं बता रहा था ना, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है गाइस, और जो भी मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग नहीं देखे हो ना, वो मैं प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग एक बार से जाके ज़रूर देखना वीडियो, और फिर कमेंट करके बताना माय फर्स्ट मोटो ब्लॉग कैसा है। तो अभी तो अपन लोग इधर निकल चुके हैं, और फिर अपन लोग जब भी निकलते हैं तो अभी तो फ़िलहाल मम्मी पापा नहीं है, बट अभी अपन लोग घर से निकलते तो भगवान को एक बार ज़रूर से प्रणाम करते, आशीर्वाद लेके निकलते हैं, क्योंकि एक आशीर्वाद ऐसा होता है ना, एक सुरक्षा कवच का काम करता है। जो बस तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं मोटो ब्लॉगिंग का, ये मेरा फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉगिंग है, और ये सेकंड टाइम है, मेरा फर्स्ट टाइम वाला वीडियो मैंने पोस्ट करा था और फिर ये मेरा सेकेंड टाइम का है, बट अपने पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाइज। लेकिन एक्सपीरियंस ना होना, अपन लोग एक्सपीरियंस धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं लाने का, और फिर आ भी रहा है। अपने पास एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था, बट अभी थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन भाई कुछ भी बोलो, मज़ा बहुत आ रहा है यार। तो जिनके पास, जो भी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो ना, वो चलाओगे ना तो तुम्हें मज़ा आएगी, बस धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। जैसा कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट बड़े बड़े जो भी क्रिएटर होते हैं ना, उनके पास काफ़ी सारी एक्सपीरियंस होती है, क्या एक्सप्लोर करना है, क्या करना है, सब कुछ, बट अपन लोग के पास नहीं। बहुत ही टफ है भाई, बहुत ही ज़्यादा टफ, लेकिन करोगे ना तो धीरे धीरे वो इजी होता जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा अगर चाह लोगे तो, बट अगर नहीं चाहे तो फिर भाई जिसको चाह ना हो उसको भाई कुछ नहीं मिल सकता यार। आप लोग, ओ भाई क्या ही खतरनाक वाली भाग रही है गाइस, ये देखो, ये मैंने कभी ट्राई नहीं करा था, ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई है, ये देखो भाई, ओ भाई
क्या ही हेवी वाला भाग रहा है। ओ माय गॉड, ये स्पीड देखो 66 और भी ऊपर जा सकती है भाई, लेकिन सेफ्टी है भाई, सेफ्टी अपने को अपनानी है भाई। ब्रेक देखो भाई, क्या ही कंट्रोल है। ओ रे 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 रे, रे भाई ये सा देखा ना भाई, क्या ही मस्त वाला खतरनाक वाला भागा यार, बहुत ही खतरनाक वाला। बट ऐसा मैं नहीं चलाऊंगा यार, मतलब मैं हमेशा जब भी देखो ना तो 60 या 70 के बीच में ही, जब रोड खाली हो ना तो 60 से 70 के बीच में स्पीड में घिसता हूँ, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं घिसता हूँ, क्योंकि भाई मतलब अपना सेफ्टी प्लस दूसरों का सेफ्टी दोनों को लेके चलना चाहिए इसी कारण से। और अभी देखो 47 और फिर यहाँ पे बहुत सारा ब्रेकर है, ये देखो देख रहे हो भाई, 1 2 3 4, अरे भाई साहब इतना सारा ब्रेकर यार, भाई बहुत सारा ब्रेकर था। और फिर यहाँ पे मार्केट है तो भाई और भी थोड़ा स्लो में ही चलाना पड़ेगा। तो गाइज मैं बोल रहा था ना एक्सपीरियंस की बात, तो यही होती है भाई, मतलब देखो मैं अभी क्या बोल रहा था और एक्सपीरियंस अभी अपने को नहीं है तो वो लोग कुछ भी बोल दिए। बट बड़े बड़े ब्लॉगर्स में क्या होते हैं ना, उन लोग पहले प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करते हैं भाई। बट नहीं करूँगा, बस जो भी आ रहा है ना वो अपन लोग बनाते हैं और फिर आप लोग को दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं वो रियल है गाइस, जेन्युइन है, जो भी दिखा रहे हैं ना सारा कुछ रियल है। अपन लोग कोई फेक वेक का ये नहीं करते हैं कि भाई किसी को कुछ दो सामने से अचानक से वो आ जाए फिर वो आ जाए ऐसा कुछ, बट अपन लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। सो जो भी आप लोग देख रहे हो वो प्योर रियल है गाइस, जेन्युइन है एकदम। तो भाई हम तो अभी स्टार्टिंग है और आगे भी ऐसे ही आप लोग को रियल एंड जेन्युइन ब्लॉग मिलेगा। और फिर इधर देखो गाइस खेती, भाई दादी माँ क्या कर रही है, अच्छा वो खेत है। और फिर ये स्कूल है साई, भाई देखो पिंज ऐसा लगता है, दिख रहा है पिंज, ये पिंज है भाई। और इधर देखो भाई काफ़ी हेवी हेवी व्हीकल्स इधर चलती है, ट्रक ये सब ज़्यादातर, बट अभी उतना नहीं चल रही, बट ट्रक ये सब ज़्यादा इधर चलती है कंगर का रूट में। और ये स्कूल भाई क्या बात है, स्पोर्ट्स आई ला, तो ये स्पोर्ट्स हो रहा था कोई। और अभी अपन लोग ये सब को नज़रअंदाज करते हुए, बट हाँ बच्चे का खेल कूदना काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखो फोर्थ गियर में 25 का स्पीड, अभी मैं आप लोग को अपना स्पीड दिखाऊँ क्या, इसका टॉप अप स्पीड भाई पकड़ लेना, पीछे अभिषेक मेरे साथ है, पकड़ लेना, अब टॉप स्पीड में जा रहा है, थोड़ा पकड़ के देखना, चेक करते इसका स्पीड। तो अभी गाइस अभी देखना, ओ भाई भाई भाई, ओ ओ माय गॉड, अभी धीरे धीरे देखो कितना स्पीड खींचेगा ना अभी, ये देखो भाई साहब, ओ भाई भाई क्या ही खतरनाक यार, ये 78 आई ला भाई, 80 90, मुझे 90 90। अभी आगे देखो, अभी आगे गाड़ी स्लो करना पड़ेगा, ये देखो अब इससे ज़्यादा स्पीड नहीं जा पाएंगे गाइस, ये इसका कैप गया, रुक जाओ इसका कैप गया, अभी कैप लाने जा रहा का एक सपना था गाइज कि मोटो ब्लॉगिंग करे, और फिर हर बंदे का ये सपना होता है गाइज कि मोटो ब्लॉगिंग करे, कोई एक गाड़ी हो जिससे आप लोग ब्लॉगिंग करे। बट हर किसी का फैमिली उतना सपोर्ट नहीं कर पाता, एफोर्ड नहीं कर पाता, और फिर ऐसा ही कुछ अपन लोग के पास भी है, मेरा फैमिली मतलब जो मांगो वो मिल जाता है, लेकिन वो अगर उनको बोल दिया जाए ना कि मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा गांव के लोगों में ऐसा होती है ना कि भाई इसमें कोई स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके कारण सपोर्ट नहीं मिलता है गाइज। तो मतलब ज़िंदगी में कुछ नहीं तो भाई लोग बहुत कोसते हैं एक दूसरे को, अभी से ही गाँव में देखो ना, तो जो कुछ नहीं कर रहा ना उसको लोग अलग ही नज़रिया से देखते हैं, भाई क्या कुछ नहीं कर रहा, इधर उधर घूम रहा है सिर्फ ऐसे ही, तो ऐसे ही देखते हैं गाइज। और फिर मैं तो ऐसे ही बाइक लेके जब भी वीडियो बनाने के लिए निकलता हूँ ना, तो भाई पूछो ही मत यार, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत लोग अपना सोचते हैं यार, सारे लोग का थिंकिंग अलग अलग है,
हर किसी का थिंकिंग को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा सक्सेस हो जाओ ना, फिर उनकी जो सोच होती है ना, गलत सोच, वो चेंज हो जाती है। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करना, जितना हो सके उतना सपोर्ट करना, क्योंकि जो भी सोचते हैं ना ऐसे कि भाई हर बाइकर्स जो भी मोटो ब्लॉग करते हैं ना वो छपरी होते हैं या फिर कुछ और होते हैं, तो उन लोग का जुआ पे ताला लगा दो, यही है। चलो कोई ना, ये सब तो होता रहेगा, लोगों की थिंकिंग हम लोग पलट नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे सोचते हैं, बट सोचना है। सामने से ट्रक और फिर मैं इसको ओवरटेक करने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा गाइज, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने के साइड ट्रक और बाजू में टोटो, जो कि अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो टोटो और हमें दोनों की क्षति हो सकती थी, और फिर जो कि अपन लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग गाइज, सेफ्टी सबसे पहले, उसके लिए तुम अपना जो भी होती है ना जुनून जज्बा, मतलब तुमको ओवरटेक करने की जुनून है ना, चूल मची है ना, तो भाई मत करो, क्योंकि सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैं बोल रहा था गाइस कि भाई हर ब्लॉगर बहुत कुछ बक बक जक जक कुछ भी बोलते रहते हैं भाई, बक बक, तो उन लोगों के पास शब्द होती है गाइस, क्योंकि उन लोग काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और फिर हम लोग एक्सपीरियंस अभी गेन कर रहे हैं, तो मेरे पास कुछ बोलने को बचा ही नहीं गाइस, बट जो भी मन में आ रहा है वो अपन लोग बोले जा रहे हैं। सो मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं कि मैं क्या बोलूं, बस आप लोग सपोर्ट करना ताकि मैं और भी एक्सपीरियंस अच्छे से ले सकूं, और फिर मैं और बड़े बड़े ब्लॉगर की तरह, उन लोग की तरह तो भाई बन जाऊं, ये मेरा सपना है कि बन जाऊं भाई, टाइम लगेगी, आप लोग सपोर्ट करोगे, एक दिन ज़रूर हम लोग बड़े बड़े ब्लॉगर की तरह हम भी बन जाएंगे, मोटो ब्लॉगिंग करेंगे उन लोग की तरह। सो बस यही आशा है गाइस कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, जितना हो सके उतना सपोर्ट करना। सो गाइस ये अपना बाइक कैमरा और ये अपना बाइक और फिर ये अभिषेक, और फिर देखो गाइस एक बार इधर का नेचर देखो, क्या ही मस्त वाला नेचर है। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए, क्योंकि गाइस काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुकी है और फिर मेरे पास कुछ बोलने को बचा भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। सोच रहा हूँ यहाँ पे वीडियो को एंड करूँ। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय, जय श्री राम गाइस, और फिर पीछे का नेचर देख रहे हो क्या ही मस्त वाला लग रहा है, और फिर ये मैं काफ़ी दिन बाद थोड़ा सा धूप हो रखा है ना, तो इसी कारण से हाफ टी शर्ट पहन के आए। सो बाय बाय गाइस। भाई देखो कैमरा चोरी कर रहा है ये, भाई ला यार, हेलमेट से कैमरा ले लिया और फिर देखो बैग में डाल रहा है, मेरे को अभी लगता है कैमरा गया अपना, ये देख रहे हो, ये देख लो बैग में डाल रहा है, बट कोई ना यार, मैंने इसको बोला था कैमरा खोल के डालने के लिए, क्योंकि गाँव में जाएंगे ना तो भाई गांव में काफ़ी सारे लोग ना जो भी देखते हैं वो बोलते हैं भाई क्या कर रहे हो, तो इसी कारण से वो लोग हेलमेट से हमेशा कैमरा को निकाल के बैग में डाल देते हैं, और फिर सिर्फ ऐसे ही हेलमेट अपन लोग लेके जाते हैं गाइस गांव में, क्योंकि लोग देखता भी है तो कुछ नहीं बोलता, बट जैसे ही कैमरा देखेगा ना बोलेगा भाई फलनमा के बेटा ये है, फलनमा के बेटा वो है, तो इसी कारण से